हेलो मायरा, सब ठीक है? क्या बहनें भाइयों को सिर्फ उस वक्त फोन करती हैं जब कुछ खराब होने वाला हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो बस हैरान हो गया मैं। शादी के बाद हमारी कोई खास बात हुई नहीं, कॉलेज में बस सरप्राइज हो गया। सर, सिलान भाई की रिक्वेस्ट करनी थी, इसीलिए आपको फोन किया। बोलो। पहले आप वादा करें कि आप इनकार नहीं करेंगे और ज्यादा सवाल जवाब भी नहीं करेंगे। अभी से तुम इतनी ज्यादा शर्तें लगा रही हो तो यकीनन कोई बड़ी बात होगी। सलाह करेगी बड़ी हो बुरी ना हो। नहीं अरसलान भाई, आपको पता है मैं अम्मी की तरफ आई हुई हूँ, तो बस मैं चाह रही थी कि चंद दिन विशाल भी मेरे साथ यहाँ रुक जाए। ऐसा क्यों? कोई ऐसी वजह नहीं है, आपको तो पता है ना कि शादी के बाद हम दोनों की जिंदगियां बदल गई और अम्मी और दादी के साथ टाइम स्पेंड करने का भी मौका नहीं मिलता। इत्तेफाक से दोनों यहाँ पे हैं तो मैंने सोचा कि थोड़े दिन रुक जाएं। ये आइडिया किसका है, तुम्हारा या मिशाल का? आइडिया तो आपकी बीवी का है, लेकिन आप उसे कुछ कह के शर्मिंदा मत कीजिएगा। रिक्वेस्ट है, प्लीज इजाजत दे दें ताकि उसको भी इत्मीनान हो जाए। उसको फोन देती हूँ। वालेकुम सलाम। तुम तो अपनी अम्मी की अनजाती ही मुझे भूल गई। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगा? अच्छा, ज्यादा परेशान मत हो, तुम रुकना चाहती हो जी? तो तुम मुझे डायरेक्ट बता देती, इस तरह तुमने मायरा से क्यों सिफारिश करवाई? अच्छा, तो वो डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी, उसके क्या करें? कब चले? नेक्स्ट वीक में। हाँ ठीक है, नेक्स्ट वीक चले जाएंगे। चलो ठीक है। और मामी और नानी कैसी हैं? सब ठीक है। चलो ठीक है, मुझे बिल्कुल ही मत भूल जाना वहां पे। अच्छा, हैरत की बात है, तो ये अरसलान ने कैसे इजाजत दे दी आने की? वो तो चाय, खाना, पानी सब तुम्हारे हाथ की मांगता है। अरे वाह भाई, लगता है अम्मी आप एक बहू से मिलने आई थी, लगता है दूसरी को भी यही छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ 2-4 दिन की बात है, फिर हम वहीं वापस आएंगे। वो तो तुम दोनों आ ही जाओगी, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अम्मी का तुम दोनों के बगैर तो गुजारा ही नहीं है ना, तो वो ये 2 दिन कैसे गुजारेंगी? अच्छा चुप हो जाओ, फजूल बातें किए जा रही हो, खामोश हो जाओ। चलो आओ, चलो। तुम क्यों मना कर रही हो मायरा को बताने से? इतनी बड़ी बात मैं उससे कैसे छुपा सकती हूँ बेटा? अभी मैं कुछ नहीं जानती, मगर आप ये बात मायरा को नहीं पता चलने देंगी। आपको पता है ना, वो मेरी वजह से पहले ही सलमान की कितनी ज्यादतियां बर्दाश्त कर चुकी है। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से अपने ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर महसूस करे। अभी तुम अरसलान के खौफ से रो रही थी, अब तुम मायरा के लिए परेशान हो रही हो, हलकान हो रही हो। पहले तुम ये फैसला कर लो कि किसके लिए तुम परेशान हो। तो मैं क्या करूं अम्मी, वो दोनों लोग ही मेरे अपने हैं। एक वो है जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, जो मेरा शौहर है। दूसरी मेरी बहन है, जो मेरे लिए खुद को कितनी बार कुर्बान कर चुकी है। बस चुप हो जाओ। डॉक्टर ने कहा था ना कि तुम मां बन सकती हो बेटा। मुझे झूठी तसल्लियां मत। नुद्रित, मिशाल, ये किस बारे में बात हो रही है?
ये तो मुझे पता है कि तुम फौतकी वाले घर नहीं गई थी, फिर कहाँ गई थी तुम दोनों, बताती क्यों नहीं? अम्मा पैक लेने गई थी मशाल को लेकर। क्लिनिक? कौन से क्लिनिक? क्या हुआ है मशाल को? ठीक तो है? डॉक्टर कह रही है कि मशाल कभी मां नहीं बन सकती। मैं कुछ नहीं जानती, मगर आप ये बात मायरा को नहीं पता चलने देंगी। आपको पता है ना, वो मेरी वजह से पहले ही सलमान की कितनी ज्यादतियां बर्दाश्त कर चुकी है। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से अपने ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर महसूस करे। अभी तुम अरसलान के खौफ से रो रही थी, अब तुम मायरा के लिए परेशान हो रही हो, हलकान हो रही हो। पहले तुम ये फैसला कर लो कि किसके लिए तुम परेशान हो। तो मैं क्या करूं अम्मी, वो दोनों लोग ही मेरे अपने हैं। एक वो है जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, जो मेरा शौहर है। दूसरी मेरी बहन है, जो मेरे लिए खुद को कितनी बार कुर्बान कर चुकी है। डॉक्टर ने कहा था ना कि तुम माँ बन सकती हो बेटा। मुझे झूठी तसल्लियाँ मत दे।